पथरिया कृषि उपज मंडी में किसान के साथ मारपीट के मामले में देर रात किसान के साथ उसके परिजन और परिचित थाने पहुंचे, जहां पर पथरिया में मामला दर्ज कराया गया है। किसान के द्वारा जहां घटना की पूरी जानकारी दी गई, वहीं पुलिस के द्वारा भी इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है उस बात की जानकारी दी गई। देर रात पहुँचे किसान के बयान के आधार पर, उसकी शिकायत के आधार पर व्यापारियों पर मामला दर्ज किया गया है, साथ ही पुलिस के जाँच की बात कही है। ये हमारे साथ ये हुआ, हम गेहूँ ले आते तो गेहूँ सबका 1780 रुपया बोला और हमारा 1580 रुपया बोला, तो हमने दोनों हाथों में लिया। हमने इसमें फ़र्क क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, तो हमारे गेहूँ में फ़र्क बताइए तो हम फ्री में दे देंगे, हमारा उससे ख़राब गेहूँ हो तो उनने बोली तुम क्या हो, तुम जैसी कचरा तो हमारे पास हजारों हैं, हम नाक बोलते हैं। हमने बोली तुम कचरा है तो मेरा तो गेहूँ है यार, 6 महीने परेशान हो के आते हैं हम तो। तुमने साहब मारपीट चालू कर दी, मारपीट चालू करी, हमारे 3 जन और 4 जनों ने मारपीट हमारे साथ में करी, लाते घूसे गत के मारे हमारे लिए, और हमारा गेहूँ हम छोड़ के भगया, तो हमारा वो गेहूँ को भी पता नहीं है, 10 क्विंटल गेहूँ ले आए थे हम, तो उस गेहूँ को भी उस मंडी से पता नहीं है। पूरे तो मनमानी चल रही पथरिया मंडी में, 4000 से लेके 6800-7300 रुपया सब गेहूँ अनाज उड़दा 7300-4500 रुपया से ले रहा है कोई बोल रहा। तत्काल हम थाने उनने हमसे कही कि हम तुम्हारी मेरा तुका देंगे अगर कहीं भी तुम गए तो हम अपने हम कोई लड़का बच्चा लाने हती, तो हमने फ़ोन लगा तो हमारा एक भतीजा आ गया, एक लड़का आ गया, तो फिर हम अपने गाँव ले कर भग गए भी अपने लिए हमारे लिए। फिर गांव से जब हमारा सीना हुआ बहुत ज़्यादा दर्द, तो हम आए फिर यहीं पथरिया अस्पताल में, हमने अपनी सीना की जांच करवाई के बाद में फिर हम पथरिया थाने में रिपोर्ट लिखवा रहे। कौन कौन ने मारपीट किया आपके साथ? हमारे साथ में नितिन जैन, पारस जैन, चक्रेश जैन, इन लोगों ने मारपीट की है और जो बोली लगाते समय में मारपीट की है। जे जैन हैं, जे खरीदी करते हैं मंडी में जे खरीदी डाक लगाते हैं। FIR हो गई आपकी? FIR ये हमारी हो गई है, अब हमारी FIR नहीं मिली हमारे लिए। ये क्या है, ग्राम इटवा का करण सन ऑफ रामेश्वर पटेल, जो कि अपने भतीजे रोहित पटेल और लड़का नीतीश के साथ टैक्सी में गल्ला रख कर बेचने के लिए पथरिया है, जो गल्ला व्यापारी पारस जैन के यहाँ उसने बेचने हेतु रेट की बात करी, जो इनका कम रेट पे लेने की बात करने पर इसी बात पर से विवाद हुआ। इसलिए उनका कहना है कि पारस जैन द्वारा गाड़ी यारी दे करके पटक दिया, इसके बाद चक्रेश जैन और नितेश जैन इनने क्या है लात घूसों से जमीन में पटक कर मारपीट की, इसके बाद क्या है इनके रोहित और नीतीश ने बीच बचाव किया और जे इसके बाद घर चला गया डर के मारे। इसके बाद जे वीडियो वायरल होने पर पुलिस द्वारा तलाश की गई कि फरियादी को है, पता चला कि इटवा का व्यक्ति है, क्योंकि इस समय यह पता करने पर कि ये फरियादी गांव करण पटेल है, तो आज अभी रिपोर्ट जो आया है उसका पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई की जाएगी, जो जो जिसमें संलिप्त आरोपी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।